नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। दून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और शासन प्रशासन की हालात पर नजर है। आपदा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लगातार बारिश उत्तराखंड के कई जिलों में और साथ ही दून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शासन प्रशासन की हालातों पर नजर है, आपदा क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है, अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देवभूमि में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा स्थगित कर दी गई है। चार धाम के श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर आपदा से निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है। नदी नालों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बात करते हैं तो आज 27 तारीख आपकी हो रही जून की, और 27, 28, 29 में जो अच्छी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में वो मिलने वाली है। अगर भारी या बहुत भारी वर्षा की मैं बात करूं तो उसमें नैनीताल, चंपावत या इसी तरह आपके जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं के, जिसमें कि जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना है, तो इसको हमने ऑरेंज में रखा भी है। इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं के, तो उसमें भी 2 से 3 दिन ये जो है हैवी रेन्स जो है वो कहीं कहीं कर तो मिलती रहेंगी। पहाड़ में बारिश का दौर जारी है, जहां एक ओर लोगों को बारिश से राहत मिली है तो वहीं कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव है, जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि आपदा से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कोटद्वार में कहीं तेज बारिश से तो कहीं जर्जर मकान खतरे की जद में है, लिहाजा प्रशासन ने ऐसे मकानों को चिन्हित कर हटने के निर्देश दे दिए गए हैं। हल्द्वानी में भी बारिश से हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। नैनीताल में भी बारिश का असर दिखने लगा है, यहाँ बोल्डर आने से हड़कंप मच गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। चार तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, अल्मोड़ा, कोटद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल और हर तरफ यही हाल है। बारिश लगातार और सड़कें बदहाल हैं, जलभराव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही भूस्खलन की स्थिति भी जगह जगह देखने को मिल रही है। तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है भारी बारिश की वजह से। वहीं नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर दिखा बारिश का असर। बता दें कि पहाड़ में बड़ी भूस्खलन की आशंका और कृष्णापुर मार्ग पर बोल्डर गिरने से हड़कंप, बारिश से ढहने की कगार पर जर्जर भवन, ये बड़ी जानकारी आपको मिल रही है नैनीताल से, जहां पर बारिश का असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ में भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है, कृष्णापुर मार्ग पर बोल्डर गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। बारिश से ढहने की कगार पर है जर्जर भवन, जिसको देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की गई है। साथ ही वो भवन जो कि जर्जर हालत में है उन्हें खाली करने के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। तो बारिश की वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लोग भी पूरी तरह से परेशान हैं। पिछले साल कृष्णापुर जेल के समुख जो नए क्वार्टर जेल के लिए बनाए गए हैं, इनके बगल से ही एक भूस्खलन हुआ है, जिससे नीचे आबादी के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। बार बार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने जिलाधिकारी महोदय को और नगर पालिका को सूचित करा गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने PWD एक्शन साहब और समाज कल्याण अधिकारी जी को संयुक्त सर्वे के लिए यहाँ भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास अभी तक पड़ी है, लेकिन वर्तमान में उन कागजों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हल्द्वानी में बारिश